हमीरपुर जनपद में मोहदा विकास खंड के पिपरौंदा गांव का वीडियो सोशल मीडिया में गंदगी का वायरल होने की खबर मिलने पर जब समाचार की टीम पहुंची तो धरातल में कुछ और ही तस्वीरें नजर आईं। जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि नाली जाम होने से पानी नहीं निकल रहा था और कुछ लोगों के द्वारा नालियों में गोबर भी डाला जा रहा है, जिसके चलते ऐसी समस्या बनी हुई है। जब सफाई कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों ने नालियों के ऊपर से मिट्टी डालकर चबूतरा बना रखा है, जिसके चलते सफाई नहीं हो पा रही है। जब लोग अपनी नालियों को खोल देंगे तो पानी निकलने लगेगा। अब पिपरौंदा गांव के कुछ सम्रान व्यक्तियों द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ कुछ अराजक तत्व लोग यहां पर अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसको लेकर प्रधान ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अतिक्रमण होने के बाद ना तो गांव की नालियां और ना ही गांव के रास्ते साफ होते हैं और बरसात का जल भरा होने लगता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रधान द्वारा यह भी बताया गया कि वह सफाई कर्मियों को भेजते हैं नाली और रास्ता साफ करने के लिए, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने के बाद साफ सफाई नहीं हो पाती। वहीं पिपरौंदा गांव में तैनात सफाई कर्मी का अभी यह कहना है कि मैं गांव की सभी नालियां व रास्ते साफ करने जाता हूं, तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा नालियों के ऊपर चबूतरे का निर्माण और छपरा का अतिक्रमण होने के नालियों की सफाई और रास्तों की सफाई नहीं हो पाती, जिसको लेकर उन्होंने कई बार ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान से बिका है। इसके द्वारा प्रधान द्वारा कई बार अराजक तत्वों को अल्टीमेटम भी दिया गया है और शिकायतें भी दी गई हैं। क्या नाम है आपका, किस गांव से हैं? राम किशन, ग्राम पिपरौंदा से। यहाँ पर देखा जा रहा है जो नालियों के ऊपर अवरोध आप लोगों ने कर रखा है, तो बताया जा रहा है कि आप लोग जो है नालियाँ साफ नहीं करने दे रहे हैं, अवरोध होने के चलते साफ नहीं हो पा रही, क्या बात सत्य है? नहीं, हमारी तरफ से कोई मतलब वो नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं उसका। जिस दिन वो चाहें कि रास्ता बनना है, उसी दिन हम चबूतरा हटाने के लिए तैयार हैं। तो अगर चबूतरा हटा लेंगे, नालियां खुल जाएंगी, तो कोई समस्या होगी गांव पे? हाँ, कहे नहीं हो सकती। आज जैसे हम हटा लिया, अगला आदमी करे है तो वह तो होबे करे। नहीं, आप हटाने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम हटाने के लिए तैयार हैं। अगले आदमी से कोई मतलब? क्या नाम है प्रधान जी, किस ग्राम पंचायत से हैं? हम बक्सदीन नाम है, ग्राम पंचायत पिपरौंदा विकास खंड मौदा। आपके यहाँ का वीडियो वायरल हो रहा था, खबरें चल रही थी कि बहुत ज़्यादा गंदगी है गांव में, पानी नहीं निकल पा रहा, नालियों से क्या समस्या है? नालियों से ये समस्या है कि जो नालियाँ हैं जो पहले से बनी हुई हैं, उनके ऊपर चबूतरा बने हुए हैं और आगे चबूतरा के आगे लकड़ी पड़ी हुई है, छावनी बना रखी है और ईंटों की चट्टा लगा रखे, तो मैं इसलिए समस्या है कि वहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा। तो आपने कभी खुलवाने के लिए उनसे नहीं कहा? खुलवाने के लिए मैं उनसे कहा था, दो बार आया कि भैया ये चबूतरा खुलवा दो और खुलवा दो, मैं अगर चबूतरा खुल जाए, साफ सफाई करवा दो भैया, मैं तुम्हारी नाली बनवा दूँ, और तैयार है काम करवाने के लिए आज भी। तो क्या वहाँ पर नालियाँ नहीं बनी हैं? नाली बनी है, पुरानी नाली बनी है और ठीक ठाक नाली बनी है, नाली के ऊपर चबूतरा बने, वो ऊपर से तेज़ बहाव का पानी आता है बरसात में, तो नालियाँ छिक जाती हैं, कूड़ा कचरा लग जाता है, वो उस रास्ते से पानी जाता है, उसके साथ मिट्टी बह के आती है तो वहाँ लग जाती है। मौधा से अपडेट मीडिया के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। हम सौवर कर